कहना चाहता हूँ, मेरा नाम इरशाद है, गेस्ट हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। हम लोग अपनी कुछ मांगे लेकर भोपाल से दिल्ली पैदल चले और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले कुछ मेंशन किया था प्रधानमंत्री के बाहर, कोई हमने गुनाह नहीं करा, किसी को हमने मारा नहीं, किसी के साथ हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। उसके बाद पुलिस ने हमको पकड़ के बंद किया और हम लोगों पर अत्याचार मारा, हम लोगों को महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको समझा यहाँ तक के वो एक बच्ची थी 12-13 साल की, यास्मीन नाम की, उसको तक मारा, उन बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, एक 8 साल की बच्ची थी उसको मारा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा गुनाह क्या था, हमने ऐसा क्या किया था कि हम लोग को ऐसे मारा, बच्चों तक को, महिलाओं को, बुजुर्ग तक नहीं देखा उन लोगों ने। और अभी इस समय मैं भूख हड़ताल पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोग हमारे संबंध हमारी मदद करें। आपको भी मारा था क्या पुलिस? हाँ, मेरे को भी। कैसे मारा था आपको? और एक बच्ची है यास्मीन 12-13 साल की, उसको वो पुलिस वाला 2 तमाचे मारा, तो मैं गया उसके पास, ठीक है सर क्या कर रहे हैं आप, बच्ची को मार रहे हैं। उसने मेरे को भी एक लपाड़ा मारा, क्या टू अट साइड मुझे लपाड़ा मारा, फिर मुझे मार के मेरे दोस्त को पकड़ लिया, इमरान को मारा। हम लोग भोपाल से दिल्ली पैदल चल के आए हैं, हमारे घर से हमारी मम्मी, हमारे पापा और हमारी बहन और मैं चल के आई हूँ, और फिर हम लोग ने यहाँ पर आके प्रधानमंत्री के दोबारा घर पर भी गए थे, जैसे कि हमने फिर दर्शन करा था, बहुत शांति उससे करा था कि कोई कुछ नहीं होगा। मगर हम लोगों ने प्रधानमंत्री से फिर फोन से चिट्ठी भी लिखी थी, तो हमने उसमें लिखा था प्रधानमंत्री जी आप हमें 1 घंटे का समय दीजिए मिलने के लिए, तो उसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर हम लोग उधर गए थे तो हमें 2 बार तो पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार हम लोग ने करा, तो जब हम लोग को अरेस्ट करा तो कोई को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने टेस्ट के लिए गए, तो फिर हम लोग के आधे साथी को तो अंदर ला के डाल देते जेल के अंदर, फिर हम लोग उनके संग थे तो हम लोग को नहीं डाल पाए। तो रचना जी आके कहती हैं कि ना हम लोग को अंदर नहीं जाना, कोई भी हमारे साथी अंदर नहीं जाएगा, जो भी हमारे साथी हैं उनको बाहर निकालो। तो राघव सिंह और महेंद्र सिंह वो दोनों कहने लगे कि ना जिम मोटी इसको अंदर डालो, तो हम लोगों ने कहा अच्छा ऐसे कैसे डालेंगे आप डाल के बताइए। तो रचना जी को जेंट्स पुलिस ने भी पकड़ा, खींची, लेडीज़ पुलिस ने भी खींचा, तो हम लोग ने जितने भी लेडीज़ पुलिस जेंट्स पुलिस को हटाया, रचना जी धक्का दिया, रचना जी के लिए आप लेडीज़ पुलिस को बुलाइए जेंट्स को नहीं, लेडीज़ पुलिस हमें हाथ लगाई जेंट्स नहीं। और है ना हम लोगों ने जब प्रदर्शन करा था कफन ओढ़ के तो जेंट्स पुलिस ने हमें उठाया था, लेडीज़ ने एक भी नहीं उठाया। और फिर उसके बाद है ना हम लोग को जेल में डाला, तो हम लोग गए नहीं, हमारे आधे साथी को तो अंदर डाले थे उनको निकलवाया बाहर और हम लोग को मारा, जैसे मेरे को महेंद्र सिंह ने मारा और राघव सिंह ने मारा और हमारे इरशाद भाई और सलीम लोग को भी मारा, बहुत मारा। और इमरान भाई की तो आँख सूज गई थी इतना मारा कि रात भर उनकी आँख ही नहीं खुली, पूरे सुबह खुली थी, जब ड्रम रैप टेस्ट में उसके लिए गए ड्रम रैप डाला उसके बाद सुबह आँख खुली। और है ना एक और भाई था मेरा, उसको है ना पूरे कपड़े उतार दिए, कहने अंदर जाएंगे तो पूरे कपड़े उतारेंगे चेक करेंगे। जब हम लोग आए तो उसके बाद कपड़े वपड़े दिए कहने, और जो हम लोग को खाना भी नहीं दिया, कहने जो बैठा रहेगा उनको ही खाना दिया जाएगा, हम लोग नहीं बैठे तो हम लोग को खाना ही नहीं दिया। फिर है ना रचना जी कहने आप कैसे नहीं देंगे हमारे इधर का खाना है, और 2-3 जन जो बैठे थे चुपचाप उनको दे दिया, हम लोग को दे नहीं, हम रात भर भूखे रहे। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल में उनसे खाना लिया, फिर है ना हम लोग को मारा तो मारा, और इमरान भाई की इतनी आँख फुल आती थी सुजा दी थी कि खून निकल रहा था उनकी आँखों में से, और रात भर आँख ही नहीं खुली। और है ना इतनी जागती करी हम लोग के साथ जेंट्स पुलिस ने, और हम जा रहे थे जब रचना जी को छुटाने तो राघव सिंह मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगा और मेरे को दूर ले जाने लगा, तो मैं हाथ छुड़ा के जैसे भागी हूँ तो मेरे को पकड़ कर उसने 2 चाटे मारे। फिर उसके बाद इरशाद भाई आए तो उनसे क्या कि आपने लेडीज़ को कैसे हाथ लगा।
फिर उसके बाद तो हम लोगों ने कुछ बोला नहीं उनसे, हम लोग कि आप आए तो फिर हम बाद में आपको तो बताएंगे आपने लेडीज को हाथ कैसे लगाया। और हम चाहते हैं कि हम लोग तो लड़ाई हम लोग अकेले लड़ ही नहीं सकते, हमारे जो भी साथी हैं हमारे साथ हमारी लड़ाई करवाएं। प्रधानमंत्री तो हमारी बात सुनेगा नहीं, यूनियन कार्बाइड की गोद में बैठा है। हम चाहते हैं कि हमारी बात तो सुन नहीं सकता, और विदेशी लोग हैं और भी साथी लोग हैं वो हमारे साथ दें, हमारा समर्थन दें, हम इतना ही चाहते हैं। मेरा नाम आमिर है। प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने प्रदर्शन उत्पन्न हो गया, प्रदर्शन किया था जिसमें हमें पार्लियामेंट जेल में डाल दिया गया था। वहाँ से पार्लियामेंट जेल में डाल दिया गया था, वहाँ पे हमें मेडिकल के लिए बच्चों को नहीं लेके जा रहे थे, खाली बड़ों के लिए लेके जा रहे थे। जो हम लोगों ने बोला कि बड़ों के जा रहे हैं तो बड़ों के संग हम बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि आप लोग बच्चों संग जुर्म कर रहे हो, हम लोगों को भी चोट लगी, बड़ों को भी लगी, हम लोगों को भी लगी, आप लोगों में सीट आए जो, तो हम लोगों को लेके आ रहे हैं। हम लोग जबरदस्ती जेल गए थे, उनके संग मेडिकल करवाने के लिए गए थे। जब हम लोग वापस आए तो हमने हमारे जो साथी थे उनको पहले ले आके जेल में डाल दिया गया, हमारे आधे साथियों को जेल में डाल दिया। और हमने बोला कि हम जेल में नहीं जाएंगे, जो हमारे साथी हैं आप उनको भी बाहर निकालिए। तो पुलिस वालों ने गाली है बाकी हम लोगों को, और जो जेंट्स पुलिस थे उन जेंट्स पुलिस ने हमारे यहाँ की जो लेडीज थी उनको मारा, हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ थी छोटी छोटी पुलिस वालों ने उनको मारा। महेंद्र सिंह और एक महेंद्र सिंह था जिसने हमारे लड़के बच्चों को मारा और गाली वगैरह था। वो बोल रहा था कि इन साड़ियों के कपड़े फाड़ दो, गाली वक्त के बोल रहा था कि इन साड़ियों के कपड़े फाड़ दो। ये हम लोग गए थे प्रधानमंत्री के कार्यालय प्रदर्शन करने के लिए। ये हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे हम लोग चादर ओढ़ के प्रदर्शन दिखाई थी लोगों को, तो पुलिस वाला हमें पकड़ के लगा, हमारा कोई गुंडा नहीं पकड़ के लगा वहाँ पे। उसके बाद पुलिस थाने में ले गए, वहाँ बिठा ला आधे घंटे साहब आई थी। उसके बाद चेकअप करवाने के लिए ले गए सबका, चेकअप करवाने के लिए ले गए वहाँ से। फिर ये पप्पू नाम का लड़का, रशीदा आपा, ये लोग सब 5-6 ने पहले चेकअप करवाया, पहले निकल लिया। उसके बाद बाद में हम लोग गए चेकअप करवाया, फिर उसके बाद चेकअप करवा के आए, चेकअप करवाने के बाद देखा तो ये सबको अंदर बंद कर दिया था इन्होंने। हमारी दीदी के नहीं रहने चली, कोई अंदर बंद नहीं होगा, सबको बाहर निकालो। सबको मारा पिट्टी करने लगे पुलिस वाले, हमारा पिट्टी करने लगे। एक है छोटे साल 12-13 साल की ब्याज में उसको थपाड़ा मार दिया पुलिस वाले, उनको थपाड़े मारे थे। उसके बाद इर्शाद भाई को मारा, इमरान को मारा और विकास भाई को मारा, मुझे मारा। हमारा कसूर क्या है प्रधानमंत्री साहब, ये सुनना चाहते कि हमारा कसूर क्या है? हमको बिना फालतू मारा ना, हमने कुछ जुर्म करा, हमारे साथी भी तक बंद है। हम लोग को 4-5 लोगों को हम लोग को खूब मारा, हम लोग कुछ बोला भी नहीं उनसे, उन लोगों को खूब मारा, एक लेडीज को मारा और बच्ची को मारा।